हम लोग वर्क डन निकाले थे ना ड्यू टू फील्ड फोर्स, और फील्ड फोर्स मेरा था कूलम फोर्स, राइट? कितना आया था स्टूडेंट कैलकुलेट करके? बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, करेक्ट ना? तो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स क्या होगा सर? इसमें माइनस लगा दीजिए, इज इट करेक्ट? तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिख सकते हैं? 1 बाई आर टू माइनस 1 बाई आर वन। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशियल भी तो यही था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय फील्ड फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स। यस, तो क्या इतना लिख सकते हैं एवरीवन? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या इतना लिख सकते हैं? 1 बाई आर टू माइनस 1 बाई आर वन। U2 माइनस U1 इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर टू माइनस 1 बाई। तो ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ठीक है? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ए वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं लगता कि ए वैल्यू इनिशियल वैल्यू है, सॉरी फाइनल वैल्यू है। दिस वन रिप्रेजेंट U2 एंड दिस वन रिप्रेजेंट U1। इसका मतलब U2 कितना? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और U1 कितना? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। यहाँ तक आइए फर्स्ट, एंड वी आर कमिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर? R1 टू R2 तक गए थे, राइट? यहाँ तक जल्दी से लिखिए, सबको वीडियो नजर आ रहा है? शुभांकर, मेडिकल वाले बच्चे और इंजीनियरिंग वाले, वी आर गोइंग टू प्लान ए मेक ए एक्स्ट्रा व्हाट्सएप ग्रुप फॉर प्रॉब्लम वाल, एकदम स्पेशल प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास फॉर होम असाइनमेंट, जो फिजिक्स का भेजता हूँ ना पहले, और फिजिक्स का होम असाइनमेंट मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। फिजिक्स का मैं बात कर रहा हूँ, होम असाइनमेंट, उसमें भी तो कुछ डाउट रहता होगा। तो होम असाइनमेंट मेडिकल का या इंजीनियरिंग का, लेकिन दोनों का डिस्कशन क्लास का ग्रुप अलग अलग रहेगा। इंजीनियरिंग वाले दिमाग खोल कर सुन लीजिएगा, बार बार एक ही बात नहीं बोलूँगा। इंजीनियरिंग का होम असाइनमेंट और IIT क्वेश्चन बैंक और जो भी रोडोप जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम, उसका अलग डिस्कशन क्लास चलेगा, और उसमें ऑप्शनल लिखा रहेगा, इट इज़ नॉट द रेगुलर क्लास। उसका नाम ही रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का मिशन IIT JEE Main, और वो सुबह में लगेगा। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब शाम में रेगुलर क्लास के लिए बच्चे के पास टाइम नहीं रहता है, वो कभी भी मैं सुबह में लगा सकता हूँ, आप उसको मैनेज करके देख लीजिएगा, ठीक है? वैसे ही नीट वाले बच्चों के लिए भी मैं डिस्कशन क्लास दूंगा, होम असाइनमेंट का और मेडिकल का क्वेश्चन बैंक जो आपके पास है, राइट? आप लोग तभी देंगे जब आप लोग चाहते हैं। अगर बोले कि नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, मुझसे हो जाएगा, तो नहीं दूंगा। अब उसमें ना नुकर नहीं कि सर मेरा स्कूल है, ये है, वो कोई थ्योरी का रेगुलर क्लास नहीं है, रेगुलर क्लास तो ले ही रहा हूँ, वो अलग डिस्कशन क्लास रहेगा, राइट?
मैक्सिमम ट्राई मैं करूँगा कि आपका क्लास हैम्पर ना हो स्कूल का, इस बात का ख्याल रखेंगे, बट कभी भी 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे रहेगा तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, होगा? चलिए अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, अब मैं बोल दिया, अब उसको जल्दी से लगा दूंगा, ठीक है? यहाँ देखिए, तो स्टूडेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि वैसा पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल, जहाँ पे उसका वैल्यू जीरो हो, उसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि हम लोग का डायग्राम ऐसा था, नहीं? कुछ ऐसा था, मेरा Q1 यहाँ था, और हम लोग कहाँ से कहाँ, R1 से R2 पे जा रहे थे, R1 से R2 पे, बट एक बीच का पॉइंट भी तो ले सकते थे, R इंटरमीडिएट पॉइंट। अगर मैं कहाँ से कहाँ R1 से R आता, तब वैल्यू क्या लिखते सर? R2 की जगह पे R लिख देते, राइट? तब लिखते Q1 Q2 बाई 4 pi epsilon naught R, करेक्ट, अ माइनस Q1 Q2 बाई 4 pi epsilon naught R1। इसका मतलब यहाँ हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी, बट ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बीच का है? जो मैं फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, हाउ मेनी चार्ज पार्टिकल, टू चार्ज पार्टिकल, करेक्ट। तो अगर यहाँ पे R1 है, ध्यान से देखिएगा, R1 है, तो फार्मूला क्या बना? Q1 Q2 बाई 4 pi epsilon naught R1। अगर R रहता तो इसको क्या बोलिएगा सर? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 व्हेन देयर इज सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2 इज R1। डिराइव तो कर दिए कि डिरिवेशन आया है वर्क डन के फार्मूला से ही, राइट? वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, बट रेडीमेड फार्मूला तो इसको रेडी कर सकते हैं ना। और जब दोनों के बीच में डिस्टेंस आर रहेगा, कितना रहेगा डिस्टेंस आर रहेगा, तब फार्मूला क्या बनेगा? Q1 Q2 बाई 4 pi epsilon naught R। तो ये फार्मूला तो पहले से भी हम लोग जानते थे, इट करेक्ट, बट अब तो बिल्कुल क्लियर कट होगा कि फार्मूला आया कहाँ से है। समझ में आ गया ना? अब यहां देखिए, रिफरेंस पॉइंट, तो रिफरेंस पॉइंट में यू का वैल्यू क्या होता है? जीरो, करेक्ट ना? तो सर कोई तो एक रिफरेंस पॉइंट रहेगा जहां पे दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा, और जहाँ पे पोटेंशियल जीरो रहेगा उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोल देंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे R का वैल्यू, अगर Q1 Q2 बाई 4 pi epsilon का वैल्यू जीरो है तो R का वैल्यू कितना? इन्फिनिटी, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर मेरा यहाँ पे Q1 को फिक्स कर दिए थे और आर यहाँ पे आ रहे हैं Q2 को लेकर, तो इफ Q2 कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी टू, तो अब तो समझ में आ गया ना कि अब तो पक्का समझ में आ गया कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस पॉइंट कहाँ रहेगा? इन्फिनिटी पे, करेक्ट स्टूडेंट? यहां देखिए,
ओके स्टूडेंट, देखिए मैंने क्या लिखा, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स आर नॉट से आर, और आर नॉट मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, राइट स्टूडेंट। और रेफरेंस पॉइंट बोल दिए तो ये रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा, आर नॉट का वैल्यू इन्फिनिटी, करेक्ट ना। और मेरा वैल्यू क्या था सर, मेरा वैल्यू आया था क्यू वन क्यू टू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया फाइनल आर। आर नॉट से आर पे आ रहा है, यहाँ देखिएगा आर नॉट से आर कहाँ, वी आर मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, इन्फिनिटी टू आर, राइट। और क्यू वन क्यू टू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, इज इट करेक्ट। बट भाई ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, राइट। ये जो आया है इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, लिख लीजिए कहीं पे, आर नॉट इज द रेफरेंस पॉइंट। दिस इज द रीजन कि हम लोग को दो चार्ज पार्टिकल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्यू वन क्यू टू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर मिलता है। बट वो आर मिल रहा है, ये वैल्यू मिल रहा है, तो अगर अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, जैसे हम लोग, जैसे आप लोग को मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा दिया था ना, कि आज को आज फॉर मोमेंट रख लीजिए, बाद में समझ लेंगे कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कितना रहेगा। तो सर 1/4 पाई क्यू वन क्यू टू बाई आर, बट एक्चुअल थिंग इज वाट, कि उसका रियल में सेंस क्या है, तो रियल में सेंस है वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स कमिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, इन्फिनिटी टू आर, करेक्ट। अब लास्टली सर, अब इतना तो हो गया कि डेप्थ में समझ गए, फास्ट होने के लिए कुछ बताइए। तो फास्ट होने के लिए ये लिखिए, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी एट ए गिवन पॉइंट कितना लिखेंगे, ए बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल व्हेन सेपरेशन इज आर, व्हेन सेपरेशन इज व्हाट आर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, क्यू वन क्यू टू बाई 4 पाई आर। ये पोटेंशियल किसका, क्यू वन का या क्यू टू का या दोनों का म्यूचुअल, ये दोनों का है म्यूचुअल, राइट। बट ये जो वैल्यू लिख रहे हैं, तो कोई भी वैल्यू लिखते हैं 6 माइल, तो दिमाग में है ना कि कहीं पे 0 माइल है, इसलिए 6 माइल लिख रहे हैं। तो ये वैल्यू जो लिखे हैं, तो दिमाग में रहना चाहिए कि इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है, वैल्यू 0 इन्फिनिटी पे, राइट। एक एक मिनट में ध्यान, मैं आपका बात सुनूंगा, थोड़ा सा बीच में हूँ, एक मिनट में खाली पहले बता देता हूँ। चलिए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एनर्जी एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे, और जिस इस पोटेंशियल एनर्जी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलेगा स्टूडेंट, क्यू वन क्यू टू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इज इट करेक्ट। अब अगर आपको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल एनर्जी, मैंने क्या बोला, पोटेंशियल पॉइंट पी पे कितना चार्ज है, क्यू टू,
अब पोटेंशियल कितना है, क्यू वन क्यू टू बाई फोर पाई एप्सिलॉन आर, राइट। अब बोल रहे हैं पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट पी, तब क्या बोलिएगा, क्यू टू से डिवाइड कर देंगे, क्यू वन क्यू टू से ना। मेरा स्टेटमेंट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट ए गिवन पॉइंट पी इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट ए गिवन पॉइंट पी इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, करेक्ट। बोलिए दो बार आप लोग भी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज कहाँ पे, एट ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड, इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ये जो पोटेंशियल जी पी पे लिखे, जब चार्ज क्यू टू था, बट मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल जी पर यूनिट चार्ज, तो किसे डिवाइड करेंगे, पॉइंट पी का बात कर रहे हैं तो पॉइंट पी का बात करेंगे, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट पी इक्वल टू, सर एक काम कीजिए, क्यू वन क्यू टू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और डिवाइड बाई क्यू टू कीजिए। कोई पूछा क्यू टू से क्यों डिवाइड किए, तो पॉइंट पी पे चार्ज क्यू टू ही है, राइट, क्यू वन नहीं है, करेक्ट ना। और इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बोलिए सर, पोटेंशियल एट पॉइंट पी बोलेंगे, राइट। आप लोग लिख लिए ना, सिर्फ सुने या लिख भी लिए हैं, लिख लीजिए, पोटेंशियल इनर्जी पर यूनिट चार्ज एट ए गिवन पॉइंट पी इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। पोटेंशियल इनर्जी पर यूनिट चार्ज एट ए गिवन पॉइंट पी इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या बचा स्टूडेंट, अब यहां देखिए एकदम बिल्कुल कितना बढ़िया काम हो गया, रेडीमेड आप किसी सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव कर लिए। ये क्या है बोलिए सर, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, किसका पोटेंशियल, क्यू वन का, क्यू वन ही बचा हुआ है ना। तो सर ये तो वैसा काम हो गया कि किसी चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, उसके लिए टेस्ट चार्ज पार्टिकल लाते थे सिर्फ दिखाने के लिए, फिर उससे डिवाइड करते थे, राइट, ले देकर वही चार्ज पार्टिकल सोर्स पार्टिकल ही बचता था, इज इट करेक्ट। इसका मतलब ये जो डिवाइड किए तो यहाँ पे बचा क्या था, अब इसको जो पोटेंशियल एट पॉइंट पी पढ़िएगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी किसका, इज इट क्यू पोटेंशियल ऑफ क्यू टू या इट इज द पोटेंशियल ऑफ क्यू वन, इट इज द पोटेंशियल ऑफ क्यू वन, राइट। किसी को यहां पे प्रॉब्लम, हाँ जी लाइन आप, या कोई किसी को स्टूडेंट बोल रहे थे कुछ डाउट था, बोलिए। तो एवरेज नहीं बोला, नहीं मैंने बोला था क्यू वन क्यू टू बाई फोर पाई एप्सिलॉन आर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, इज इट ओनली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू वन या इट इज द पोटेंशियल ऑफ क्यू टू या इट इज द म्यूचुअल पोटेंशियल ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू। म्यूचुअल का मतलब ए पोटेंशियल एनर्जी, आप ये सोचिए अगर नेचर में सिर्फ एक ही पॉइंट चार्ज पार्टिकल रहता तो क्या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता, किसके फील्ड में काम करते, राइट, सिंपल सा लॉजिक है। दैट्स वाई हम लोग जो यहाँ पे काम किए हैं, यहाँ देखिए आप जो ये लिखते हैं एम जी एच, राइट, मास का, तो ये क्या है, दिस इज द एनर्जी ऑफ, हाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास एम, करेक्ट, बट ये किसका, सिर्फ एम का या अर्थ के फील्ड में, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, राइट।
सिर्फ अगर अर्थ नहीं रहता तो जी रहता? जी तो आपने अर्थ का ही लिया है। यस तो एक्चुअल में यहाँ पे जो मैं फार्मूला बोला था कि दिस इज द, तो कोई अगर मैं बोलूँगा कि दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ओनली Q1, ये बोलना सही नहीं रहेगा। ये Q1 Q2 बाई 4 पाई r, ये Q1 का भी पोटेंशियल बोल सकते हैं या Q2 का भी बोल सकते हैं। हाँ, पॉइंट P पे पूछेंगे तो पॉइंट P पे Q1 Q2 बाई 4 पाई r, बट ये क्या है, Q1 का है Q2 का है, दोनों का कंबाइन इफेक्ट है, दोनों का कंबाइन इफेक्ट है, राइट। एनीवे, अब उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे एक आपको बोला कि मैंने एक आप डिफिनेशन दिया कि किसी भी पॉइंट पी पे अगर पोटेंशियल एनर्जी निकल गया तो वहाँ उस पॉइंट पे जो चार्ज रहेगा उसी से डिवाइड कर दीजिए तो मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, राइट। बट डिवाइड करने के बाद यहाँ पे बन ए, इसको क्या बोलिएगा आप, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ विक चार्ज, इट द पोटेंशियल ऑफ क्यू टू, इट इज द पोटेंशियल ऑफ Q1। इट इज द पोटेंशियल ऑफ Q1 एट पॉइंट पी, करेक्ट है स्टूडेंट। अब आप में से पिछले क्लास में कुछ लोग से मैं पूछा था कि स्टूडेंट बताइए पोटेंशियल का डिफरेंशन, तो इसमें से कुछ लोग बोले थे सर वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम निरंजन का ही डिफिनेशन था, राइट। वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब इट इज काइंड ऑफ 1 कूलम, राइट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इज इट करेक्ट। अब दिमाग क्लियर कीजिए, इन्फिनिटी क्यों बोले थे सर, वो रिफरेंस पॉइंट था, 0 वहां वैल्यू था, राइट। इन्फिनिटी क्यों था, क्योंकि वही मेरा क्या था, रेफरेंस पॉइंट था, वहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या था, 0 था। तो भाई अब एक काम कीजिए, फॉर मोमेंट एक Q1 है, राइट, मुझे इसका पोटेंशियल चाहिए, किसका, Q1 का पोटेंशियल पॉइंट P पे चाहिए, Q1 के कारण पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो मैं अपना सफ़र कहाँ से शुरू करूँगा, इन्फिनिटी पे, राइट। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आर नॉट से, और आर नॉट क्या रहेगा, इन्फिनिटी। और यहां से किसको पकड़ के लाइएगा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, और कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, और किसके कारण वर्क निकालिएगा, फील्ड फोर्स के कारण, या वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, और वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स के लिए फार्मूला तो यही रहेगा ना, बोलिए मेरे साथ, Q1 और Q2 के बदले क्या लिखिएगा, यहां पे 1, Q2 के बदले क्या लिखिएगा, 1, राइट, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और माइनस Q1, Q2 के बदले फिर से क्या लिखिएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर नॉट, और आर नॉट का वैल्यू कितना, इन्फिनिटी, तो ए टर्म क्या हो गया, 0, राइट। तो लास्ट में बचा वही ना जो यहां पे है, अब बोलते ही नहीं है, इतना बढ़िया बात हो गया, मतलब सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बचपन से जो रट रहे हैं उसको समझ लिए, तो उससे बड़ा बात क्या हो सकता है, यहाँ तो किसी प्रॉब्लम, तो अब समझ में आ गया कि क्यों लिखा हुआ था वहाँ पे, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ Q1 एट पॉइंट P का डिफिनेशन था कि Q1 के फील्ड में, लेकिन इसके अगेंस्ट जाकर वर्क करना है, किस पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, कहाँ से कहाँ तक आने के लिए, इन्फिनिटी से यहाँ तक। हम लोग क्या किए, हम लोग इससे भी बड़ा काम कर दिए, इज इट कंपल्सरी कि सिर्फ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही, हम लोग Q2 का यूनिट नहीं, Q2 को ही लेकर चले आए, और Q2 के को यहाँ से लेकर यहाँ तक लाए, अब पोटेंशियल निकाल लिए, राइट, और फिर Q2 से डिवाइड कर दिए, तो क्या मिल गया, पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, राइट। तो ए बात करें या ए बात करें, अलग वैल्यू पोटेंशियल का आया है, सेम वैल्यू आया, सेम वैल्यू आया है, राइट। चलिए यहाँ तक आइए, हो गया ना, तो पोटेंशियल का आप लोग
का इमोशन का ख्याल रखते हुए ए बी डिफिनेशन लिख लीजिए। पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज ऑल्सो वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, बट वो पोटेंशियल यूनिट पॉजिटिव चार्ज का होगा या Q1 का होगा? Q1 का, राइट? चलो ज्वाइन किए हुए हैं, चलिए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी क्या लिखे थे सर? Q1 Q2 बाय अरे वैल्यू लिखे हैं तो दिमाग में रहेगा ना कि इसका रिफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे है। अब पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना आया था? ये पोटेंशियल किसका था और कहाँ पे था? सर ये पोटेंशियल था Q1 का, कहाँ पे? एट पॉइंट पी पे, राइट? अब अगर मैं आपसे पूछूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन, ओ तब क्या बोलिएगा? पोटेंशियल ओरिजिन पे और Q2 यहाँ पे ही है, Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस आर ही है। मैंने क्या लिखा? पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो आप क्या हो गया? Q1 Q2 बाई 4 pi epsilon r, राइट? पोटेंशियल एट पॉइंट पी बोले तो आपने बोला Q1 Q2 बाई 4 pi epsilon r, क्यों बोले सर? Q1 दोनों के बीच का डिस्टेंस आर था। अब क्यू पॉइंट ओ पे पूछेंगे तो डिस्टेंस अभी चेंज कर दिए, Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, सेम डिस्टेंस करते हुए ओ पे कितना रहेगा? सेम ही तो वैल्यू रहेगा, डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा? तो अब यहां पे मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट ओ। पोटेंशियल जी बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट ओ, राइट? किससे डिवाइड करें? Q2 से। तो वो पॉइंट ओ पे जो चार्ज रहेगा उसी से तो डिवाइड करेंगे। बात कर रहे हैं पॉइंट ओ का और सोचेंगे पॉइंट पी, मतलब एक मैं बात बोल रहा हूँ किसी को टीचर का पढ़ाने का तरीका होता है। चलिए बचा क्या, इसको क्या बोलिएगा सर? दिस इज अ पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, राइट? पर यूनिट चार्ज आईसी को बोलते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। क्या बचेगा? ते है पॉइंट ओ पे पोटेंशियल, बट किसका पोटेंशियल? Q2 का, राइट? हो गया ना? चलिए स्टूडेंट, देखिए फार्मूला के देखने का नजरिया, Q1 Q2 याद रखिए, Q1 Q2 बाई 4 pi epsilon r, देखिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं,
तो सर क्या फ़र्क है? बात तो देखिए भाई, बहुत फ़र्क है। यहाँ देखिए, यह है चार्ज Q1, अब पोटेंशियल किसका? पोटेंशियल किसका? Q2 का। बट कहाँ पे? O पे। कहाँ पे? O पे, ओरिजिन पे, राइट। ये पोटेंशियल Q2 का है, बट कहाँ का? Q2 से डिस्टेंस R पे। Q2 से डिस्टेंस आर पे, राइट। तो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, राइट। तो भाई एक बहुत पहले आपको पोटेंशियल जी का फार्मूला बताए थे ना, कि देखिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, एक फार्मूला भी होता है, उसमें बहुत साल पहले कोरोना वाला साल में यू इक्वल टू क्यू इन टू वी, अब बोले तो चार्ज इसका पोटेंशियल इसी का या किसी और का? दूसरे वाले किसी और का, राइट, करेक्ट ना। तो एक किसका पोटेंशियल, एक किसका पोटेंशियल, अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, दिस इज द पोटेंशियल जी ऑफ Q1। एक किसका पोटेंशियल जी है? Q1 का है। अब पोटेंशियल किसका ले रहे हैं? किसी और का, किसी और का, वो किसी और कौन है? Q2 है। तो ये जो फर्म ये है, ये था पोटेंशियल ऑफ Q2, राइट, करेक्ट ना। चलिए इसी फार्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, यू इक्वल टू Q2 Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R। अब बोलिए पोटेंशियल किसका? Q2 का। अब पोटेंशियल किसका? Q1 का। बट कहाँ पे? ओरिजिन पे या उससे उससे R डिस्टेंस पे? एट पॉइंट P, राइट। इसका मतलब है कि यहां देखिए, ये समझ में आ गया? तो यहां से एक फार्मूला तो डेवलप हो गया स्टूडेंट, E इक्वल टू क्यू इन टू वी, करेक्ट ना। तो यहां पे इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एट एनी पॉइंट इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट लिख सकते हैं। किसी भी चार्ज पार्टिकल का किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए उसका चार्ज लेंगे और पोटेंशियल उस पॉइंट का लेंगे, लेकिन वो पोटेंशियल उसी चार्ज का रहेगा या किसी और चार्ज का रहेगा? कोई और क्रिएट करके रखेगा, राइट। तो नहीं लगता कि सर फार्मूला तो वही था, लेकिन देखने का नज़रिया चेंज होने से बहुत कुछ समझ में आ गया। बट इसमें जो मिलेगा, यहाँ देखिएगा, ये जो फार्मूला है, इसमें जो पोटेंशियल मिलेगा उसका रिफरेंस पॉइंट कहाँ रहेगा? इन्फिनिटी रहेगा, राइट। इसको हटाएं, हो गया ना। तो दो फार्मूला सीखे। देखिए ऐसा नहीं है कि ये फार्मूला कोई
कोई नया था, बट इसके अंदर बहुत सारा काम किए। तो दो चार्ज पार्टिकल के म्यूचुअल अट्रैक्शन या रिपल्सन से, और इस फार्मूला में क्यू वन क्यू टू क्या पुट करना है स्टूडेंट, अलजेब्रिक वैल्यू राइट। तो यू वर्सेज आर, यहाँ पे आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम राइट, आर इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन देम का कैसा ग्राफ रहेगा, देखिए तो सही है। अगर क्यू वन ग्रेटर देन जीरो, क्यू टू ग्रेटर देन जीरो, या क्यू वन लेस देन जीरो, क्यू टू लेस देन जीरो राइट, तब पोटेंशियल जी पॉजिटिव रहेगा। और अगर क्यू वन ग्रेटर देन जीरो और क्यू टू लेस देन जीरो, या क्यू वन लेस देन जीरो, क्यू टू ग्रेटर देन जीरो, तब निगेटिव रहेगा, इज इट करेक्ट। दिखा दीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। हाँ केमिकल बॉन्डिंग तो एक लाइन का ही था पोटेंशियल एनर्जी का, बट एक्चुअली यहाँ पे इस चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक और फार्मूला आ गया, देखिए अब एक रेडीमेड फार्मूला, इसको भी याद रखें हम लोग। ये फार्मूला तो डिराइव हो गया ना एवरी वन स्टूडेंट, ऑनलाइन के बच्चे थोड़ा टाइम निकाल कर बोलिएगा। ये फार्मूला पे तो आप ट्रस्ट है ना कि ये फार्मूला एग्जिस्ट करता है। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ व्हाट, एक पोटेंशियल किसका, क्यू का, वहाँ पे ही आया था डिस्टेंस आर आर, तो वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है सर, क्यू पे डिपेंड करेगा राइट। तो भाई हम लोग बोलते बहुत कुछ हैं, रुकना नहीं चाहते हैं, आज के डेट में इतने लोग बिजी हैं, सच बता रहा हूँ, मैं भी बिजी हूँ। आपको क्या लगता है, क्लास के बाद मुझसे कांटेक्ट कीजिए तो, एक्चुअली बिजी हूँ, पता नहीं इतना सारा काम आ जाता है सर, एक क्लास छूट गया या कुछ भी का, तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि सर्विस सही दूँ बच्चों को, मेरा यही जॉब है। अब उसमें कभी कभी नहीं हो पाता है, हेल्थ इशू रहता है या कुछ भी समटाइम्स, बट अभी कोरोना के टाइम पे जितना मैक्सिमम हो सकता है मुझसे बन पड़ेगा, मेरे सिस्टम से बन पड़ेगा, तो कोशिश करते हैं उनको दिया जाए। चलिए आप लोग को एक टास्क देते हैं, कभी कभी होता है ना कि हम लोग बिल्कुल कहीं पे एकांत में बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं दम, वैसे ही इस फार्मूला को देख कुछ सोचिए शुभांकर, आप ही एक काम कर सकते हैं, बताइए कुछ नया बात। बाकी लोग भी बोल सकते हैं, पहला तो सर ए फर्म, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, अब इतना नहीं सोचता है कि पूरा क्लास सोचते ही रहना है। दिस इज द फार्मूला फॉर व्हाट, दिस इज द फार्मूला फॉर पॉइंट चार्ज राइट, बट इज इट कंपल्सरी कि आपको ऑलवेज पॉइंट चार्ज मिलेगा सर, तब अगर कंटिन्यूस चार्ज रहेगा तो सर इसका लाभ उठा लेंगे, कंटिन्यूस रहेगा तो पहले डी वी निकालेंगे राइट, डी क्यू की वजह से पहले डी वी निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करके भी निकाल लेंगे, इज इट क्लियर। तो पहला पॉइंट तो सर एक चीज तो ऑब्जर्व किए, ऑडियो नहीं आ रहा है, चलिए दिस इज द फार्मूला फॉर पॉइंट चार्ज, सवाल सेकंड, ये बहुत बड़ा बात है, आज के बाद किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज बॉडी के नियर बाई का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, ये फार्मूला बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ राइट। अगर अगर मेरा चार्ज पार्टिकल या अगर मेरा चार्ज पार्टिकल
या चार्ज बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका जीरो पोटेंशियल कहाँ रहेगा? इन्फिनिटी पे। अब बाकी जगह पे क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ इस फार्मूला को देखकर ही मैं बोल रहा हूँ कि आज का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो या पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो, उसके आसपास का पोटेंशियल इज इट निगेटिव या इट इज पॉजिटिव? पॉजिटिव, राइट। इसका उल्टा बोलिए कि अगर मेरा एक चार्ज पार्टिकल निगेटिव रहता या एक चार्ज ओवरऑल बॉडी ही निगेटिव रहेगा तो उसका आसपास का पोटेंशियल शुड बी व्हाट? निगेटिव, करेक्ट। और उसका सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ रहता? इन्फिनिटी पे, क्योंकि जीरो जो है वो सारा वैल्यू सारा निगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है, राइट। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है कि इफ क्यू ग्रेटर देन जीरो तो पोटेंशियल क्या रहेगा? पॉजिटिव। बट इससे भी बड़ा बात, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, फ्रॉम हेयर लिखे, फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट, फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट पोटेंशियल इन द नेबरहुड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज पॉजिटिव। पोटेंशियल इन द नेबरहुड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज पॉजिटिव, करेक्ट ना। और अगर क्यू नेगेटिव रहेगा मतलब भी नेगेटिव, तो फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड व्हाट? कि पोटेंशियल अराउंड निगेटिव चार्ज पार्टिकल और निगेटिव चार्ज बॉडी इज निगेटिव। अब तो यहां के बाद किसी को डाउट नहीं रहेगा कि कोई निगेटिवली चार्ज बॉडी है उसके आसपास का पोटेंशियल क्या रहेगा? इज इट पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव रहेगा। चलिए वी वर्सेस आर का ग्राफ क्या रहेगा फॉर पॉइंट चार्ज पार्टिकल? सर ऐसा भी रहेगा और ऐसा भी रहेगा, राइट। एक किसके लिए रहेगा? क्यू नेगेटिव के लिए, और एक किसके लिए रहेगा? क्यू पॉजिटिव के लिए। अब पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी, राइट। यहां तक हो गया? चलिए अब लिखिए, हेडिंग बनाइए। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये जो पार्टिसिपेंट कम और ज़्यादा होते रहते हैं देख लीजिएगा भाई, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कॉन्सेप्चुअल है और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मुझे ब्लेम मत कीजिएगा कि हाँ सर ने एक एक बात नहीं पढ़ाया, क्योंकि सर बहुत इंटरेस्ट लेकर और हर एक पॉइंट पे टाइम लेकर पढ़ रहा हूँ। और एक दिन नेटवर्क का इशू हो सकता है, मैं एक दिन एक्सक्यूज़ कर सकता हूँ कि देखिए आज टुडे जियो नेटवर्क इज़ नॉट गुड, डेली तो एक्सक्यूज़ कर नहीं सकते हैं, राइट। कैसे क्लास छोड़ देते हैं, मुझे तो आश्चर्य और ताजुब होता है, मतलब तो हम ऐसे मजाक में आपको छोड़ते हैं, चलो आज छोड़ देते हैं, आप यकीन करेंगे मैं घर से क्लास ले रहा हूँ। मेरे वाइफ अभी तो कुछ देर पहले नॉक किए थे, वो 2 मिनट के लिए रूम में आना चाहते, उसमें मुझे प्रेशर हाई होता है कि वो 2 मिनट में डिस्टर्ब, मेरा फ्लो ब्रेक हो जाएगा, वो 2 मिनट ही। तो सोचिए कि मतलब पढ़ाने पढ़ने पढ़ाने के टाइम पे कितना कंटिन्यूटी चाहिए। यहाँ तक हो गया? मेरा हेडिंग क्या है? अब दो चार्ज पार्टिकल या सिस्टम ऑफ, यस। तो एक फार्मूला तो हम लोग एक ही है, क्यू
इक्वल टू क्यू इंटू वी। यहाँ देखिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिंगल चार्ज पार्टिकल क्यू इंटू वी, राइट? इसका दो तीन बार लेकर आऊँगा, ठीक है? तो अभी हम लोग थ्री चार्ज पार्टिकल के लिए सीखते हैं स्टूडेंट, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, राइट? ये है, इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग आर वन मान लेते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस को कुछ मान लीजिए आर वन आर टू आर थ्री, ठीक है? तो इस थ्री चार्ज पार्टिकल का टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखिएगा? तो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाए हैं वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच का पढ़ाए हैं, राइट? तो यहाँ पे दो दो चार्ज पार्टिकल, तीन चार्ज पार्टिकल का एट ए टाइम पढ़ाए हैं क्या? नहीं पढ़ाए ना, दो दो चार्ज पार्टिकल पढ़ाए हैं। तो दो दो चार्ज पार्टिकल का कितना पेयर बनेगा? सर पोटेंशियल बिटवीन क्यू वन क्यू टू प्लस पोटेंशियल बिटवीन निरंजन, देखिएगा इसलिए मैं बोला था कि म्यूचुअल रहता है, राइट? यहाँ पे अगर इसका निकालना रहेगा तो कैसे करेंगे? सर पहले क्यू वन क्यू टू के बीच का निकाल लेंगे, फिर क्यू टू क्यू थ्री का बीच का निकाल लेंगे, फिर क्यू थ्री क्यू वन का बीच का निकाल लेंगे, राइट? तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू वन क्यू टू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन, दिस द म्यूचुअल पोटेंशियल जो व्हाट क्यू वन एंड क्यू टू ओनली, राइट? अब प्लस क्यू टू क्यू थ्री बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आर टू, अब प्लस क्यू वन क्यू थ्री बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आर थ्री, इज इट करेक्ट स्टूडेंट? और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं, दो से डिवाइड और दो से मल्टीप्लाई, लिखते जाइएगा। यहां तक तो समझ में कोई प्रॉब्लम? मतलब ऐसे कर सकते हैं ना, किसी खास वजह के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं। देखिए तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, छह टर्म बना दिए, दो टर्म यहाँ था, दो टर्म यहाँ था, दो टर्म यहाँ था, छह टर्म था, छह टर्म को तोड़कर ऐसे सजा सकते हैं। एल लिख लीजिएगा तो बोलिएगा, हो गया एवरीवन? नहीं, ऊपर वाला हटा रहे, ऊपर वाला टर्म,
एक कैपेसिटर गौसला वगैरह में बहुत जगह आएगा, तो यहाँ से जो डिराइव कर रहे हैं वो बहुत बड़ा रिजल्ट डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड एक किसके लिए, दो चार्ज पार्टिकल के लिए या सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, जहाँ पे चार्ज पार्टिकल आर मोर देन टू, राइट। इसमें Q1 कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में हाँ ना सबको बोलना है, Q1 कॉमन ले, 4π0R1। जब तक नहीं बोलना सीखिएगा तो सीखिएगा नहीं कि मैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे Q2 कॉमन ले, और यहाँ पे Q3 कॉमन लेते हैं, चलिए स्टूडेंट हाफ Q1 ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ Q2 एट डिस्टेंस R1, Q1 Q2 Q3 यही था ना, ये था R1, ये था R2, ये था R3, राइट। तो पोटेंशियल ऑफ Q2 एट, पोटेंशियल ऑफ Q2 एट ए डिस्टेंस R1, एट ए डिस्टेंस ऑफ R1 का मतलब पॉइंट ए, राइट। इसको वर्टिसेस का नाम देते हैं, ABC, इज इट करेक्ट। इसका मतलब पोटेंशियल एट ए ड्यू टू Q2, करेक्ट ना। ड्यू टू Q2, और ए क्या है स्टूडेंट, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया है क्या, R3 यहाँ पे लिखेंगे, R3 था ना, यस। तो ए क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू, बोलिए, ड्यू टू Q3, सही ना। अब क्या लिखिएगा, आप लोग बोलना शुरू किए तो मैं सिर्फ लिखूंगा, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू, ड्यू टू Q3। Q3 पढ़िए, पोटेंशियल एट ड्यू टू Q2 प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू Q1, वेरी गुड। यहाँ तक आइए फर्स्ट, वो तो मैं देख रहा था कि आप लोग ऐसे ही लिख रहे हैं या समझ भी रहे हैं, भी है। ये
गलती से लिखा गया इनर्सिया में। शुभंकर, अभी समझ में आ गया? गलती थोड़ा सा होने से देखते हैं स्टूडेंट तो एकदम तलवार लेके खड़े रहते हैं। पोटेंशियल इक्वल टू, अब बोलिए क्या लिखें इसको? सर क्यू वन अ टोटल पोटेंशियल एट ए, लिख दें। चार्ज ले रहे हैं ए का, चार्ज ले रहे हैं ए का और उसी पॉइंट पे पोटेंशियल ले रहे हैं, टोटल पोटेंशियल किसी और का जो भी नियर नेबरहुड में चार्ज पार्टिकल है, इज इट करेक्ट? तो भाई क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री में यहाँ पे यहाँ देखिए चार्ज ए का, तो पोटेंशियल ए को छोड़कर बाकी तो चार्ज पार्टिकल क्यू टू क्यू थ्री था, राइट? तो क्या उसको बोल सकते हैं नेट पोटेंशियल एट बी, नेट पोटेंशियल एट बी, राइट? इन दोनों को मतलब मैं लिख रहा हूँ नेट पोटेंशियल एट, सॉरी नेट पोटेंशियल एट ए, बट वो नेट पोटेंशियल एट ए किसी एक का है या पूरा क्यूबन को छोड़कर बाकी सब का? तो ये पढ़ा रहे हैं तीन चार्ज पार्टिकल के लिए, बट ये सिर्फ थ्री के लिए वैलिड रहेगा या तीन चार पाँच इन्फिनिटी तक के लिए वैलिड हो सकता है, राइट? चार्ज बी का तो पोटेंशियल, तो यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर क्या नेट पोटेंशियल एट बी लिख सकते हैं? चार्ज सी का तो क्या इसको नेट पोटेंशियल एट सी लिखें? यहाँ तक लिख लीजिएगा तो रुकिएगा। हो गया, यह हटाएं ऊपर वाला टर्म। अब देखिए मतलब इतना मेहनत मैं किस डर से किया हूं, उसके पीछे का मेन डर ये था कि आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला ए भी पढ़ा दिए थे, राइट? एक फॉर्मूला तो दे दिए थे, राइट? अब चीजों को समझिएगा, तो हो सकता है कि अगर ये बात आज प्रूफ नहीं करते आपके सामने और क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री, तो हो सकता है कि आपको याद रहता कि अच्छा इन तीनों का सर ने बोला तो ये भी तो फार्मूला लगा देंगे, टोटल पोटेंशियल जी इक्वल टू क्यू वन भी ए, राइट? ये भी तो कर देते हैं यहाँ से इन्फ्लुएंस होकर, क्यू टू भी कर सकते थे ना, क्यू थ्री भी से, कहानी खत्म। बट जो करते उसमें वैल्यू जस्ट डबल आ जाता, नहीं जो आंसर आता वही आंसर आता या जस्ट डबल आ जाता? डबल आ जाता, राइट? इसका मतलब ए फार्मूला जो दिए थे वो सिंगल चार्ज पार्टिकल था, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल में का अगर इस फार्मूला का एडवांटेज लेना चाहते हैं, किसके लिए? इस फार्मूला का एडवांटेज सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रहेगा तो उसके लिए डायरेक्ट ए लगा देंगे या ए लगाने के बाद हाफ से डिवाइड करेंगे, और नहीं तो अगर हाफ से डिवाइड नहीं कीजिएगा तो जो आंसर आएगा, जो आंसर होना चाहिए उसका जस्ट डबल आंसर आते रहेगा, इज करेक्ट? तो बिना प्रूफ का अगर बोलते रहते हैं कि देखिए स्टूडेंट इसमें सिस्टम चार्ज पार्टिकल कीजिएगा तो 200 डिवाइड करते हैं, आप लोग में से बहुत लोग बोलते हैं सर क्यों डिवाइड करेंगे, ये तो ये है, राइट? अब तो बोल ही नहीं सकते हैं क्यों डिवाइड करेंगे, आज जो बोलेंगे तो बोलेंगे देखिए डेरिवेशन में किया आपके सामने, राइट? हो गया ना, आप इस फार्मूला का भी लाभ उठा सकते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, लेकिन अगर इस फार्मूला का लाभ उठाते हैं तो ऐसा करना पड़ेगा हाफ पूरा करने के बाद हाफ से डिवाइड कर देंगे, राइट? इसका मतलब ए फार्मूला किसके लिए है? क्यू इंटू वी किसके लिए? फॉर सिंगल चार्ज पार्टिकल, और किसी एक चार्ज पार्टिकल का तब क्यू इंटू वी लिख लीजिए, राइट? बट इसी फार्मूला का यूज सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल करना चाहते हैं तो फार्मूला जो निकलेगा वो कैसे कैसा फार्मूला बनेगा? वो फार्मूला बनेगा यहां देखिए,
कैपेसिटर पढ़ा दिया गया है आप लोग को, थोड़ा बहुत किसी को तो पढ़ाया गया होगा भाई, आप में से एक फार्मूला देखते होंगे कैपेसिटर में, हाफ इंटू क्यू इंटू वी राइट, या हाफ सी वी स्क्वायर भी एक फार्मूला आएगा कहीं पे, या क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस सी भी आएगा, इस टाइप का फॉर्मूला मिलेगा, उसमें हाफ क्यू इंटू वी भी एक मिलता है। तो अब वहाँ पे अगर मैं हाफ क्यू इंटू वी लिखूँगा तो फटाक से चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं, और वहाँ पे एक्चुअली एक चार्ज पर नहीं, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल रहता है राइट। इसका मतलब है कि यहाँ से क्या इसको सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल में सारे सिस्टम का पोटेंशियल के लिए क्या ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हैं, सम ऑफ क्यू आई वी आई, सम ऑफ क्यू आई वी आई, जहाँ पे आई वन से एन, अब जहाँ तक जा सकते हैं राइट, बट क्यू आई क्या है सर, इट इज द आईएथ चार्ज पार्टिकल, अब वी आई क्या है, नेट पोटेंशियल एट दैट चार्ज पार्टिकल राइट, बट वो पोटेंशियल आई उस चार्ज का रहेगा या कि उस चार्ज को छोड़कर बाकी दूसरे का रहेगा, बाकी दूसरे का रहेगा, समझ गए। अब ओके एवरीवन, हो जाएगा तो बोलिएगा, फिर नेक्स्ट थ्योरी पे बढ़ूंगा, इसको बॉक्स में करते हैं, उसको शॉर्ट नोट्स में रख लेना है ठीक है, ग्राफ तो सब रख लीजिएगा शॉर्ट नोट्स में, इसको हटाएं बर्डिल, ये समझ में आ गया ना, ये सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए, आइए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए, चलिए क्या है, ये मैंने क्या लिखा, नॉट पोटेंशियल, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू, दिस इज द सोर्स पॉइंट, दिस इज द फील्ड पॉइंट राइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। और ये क्या लिखा बोले, कूलम फोर्स राइट, किस अब फोर्स किस पे, अ स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल राइट, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर माइनूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो एक्चुअली दो चार्ज पार्टिकल का फोर्स जो कूलम फार्मूला था वही है राइट, अलग चीज़ है, सेम है, एग्जैक्टली सेम है ना। चलिए अब मेरा क्वेश्चन है, वर्क डन ड्यू टू, वर्क डन ऑन अ स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल, इसको लिखिएगा मत, मैं से बोल रहा हूँ, वर्क डन ऑन दिस क्यू चार्ज पार्टिकल इन द फील्ड ऑफ दिस, मतलब ये मेरा हो जाएगा क्या, फील्ड फोर्स, इसके फोर्स की वजह से इस पर वर्क निकालना है, तो ये जो फोर्स निकाले हैं किस पे फोर्स है,
स्मॉल क्यू पे है, और किसका फोर्स है, कौन लगा रहा है, कैपिटल क्यू राइट। तो मुझे इसके वजह से बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स निकालना है। यहाँ पी से पी डैश पे गया, कहाँ से कहाँ तक गया, पी से पी डैश, तो डी डब्ल्यू के लिए क्या लिखेंगे सर, एफ डॉट डी आर कर दीजिए राइट, एफ डॉट डी आर। तो दिस इज द इनफाइनाइटेसिमल वर्क ड्यू टू फील्ड फोर्स राइट। सब लोग बोलिए, बोलने से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एक किसका वर्क है, तब मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे एक्चुअली इसका नहीं इसका चाहिए, तब क्या कीजिएगा सर, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट। कोई प्रॉब्लम, यहां तक हो गया ना। और क्या इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन तो बहुत छोटा किया है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत छोटा हो जाएगा, ये करेक्ट। और एफ के बदले ए लिख सकते हैं स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी तो बताए थे एफ इक्वल टू सामने है। चलिए अच्छा, डेल्टा यू क्या था, हम लोग एक फार्मूला डेवलप किए थे याद है, क्यू वन क्यू टू बाई फोर पाइप नॉट आर टू और माइनस क्यू वन क्यू टू बाई फोर पाइप नॉट आर वन। शुभांकर चलिए, और अगर इसको Q2 से डिवाइड कर देते, Q2 से, तो Q2 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलता, जस्ट रफ वर्क कर रहा हूँ, तो सर Q2 से डिवाइड करने के बाद मिलता है क्यू वन बाई फोर पाइप नॉट आर टू और माइनस क्यू वन बाई फोर पाइप आर वन। क्यू वन बाई फोर पाइप नॉट आर टू और माइनस क्यू वन बाई फोर पाइप नॉट आर वन। अरे नहीं लगता है कि दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी टू वी टू माइनस वी वन राइट। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को, अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को किस पे, जिस पे आपने वर्क करके लाया था उसी चार्ज से अगर डिवाइड कर देंगे तो मिल जाए, मुझे मिल जाएगा चेंज इन पोटेंशियल राइट। इसका मतलब इसको किससे डिवाइड कर देगा, इसको मैं इसको स्मॉल क्यू से डिवाइड कर दूं तो जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, डी वी, क्या मिलेगा डी वी, यहां पे डेल्टा भी, वहां पे क्या लिखेंगे डी वी, इज इट करेक्ट। तो क्या इसको इसको हम लोग डी वी बोल सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। बहुत काम का फॉर्मूला मिला है, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर राइट। बोलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या बोलता हूँ, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल को बोलूंगा वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्या बोलेंगे यूनिट, क्यों, क्योंकि जिस पे वर्क करते हैं उसे डिवाइड कर दिए,
या नहीं समझना चाहते तो इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं, वन इंटू ये, कोई फर्क पड़ेगा? और वन क्या? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट? इसका मतलब है चेंज इन पोटेंशियल के लिए, चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन टू गिवन पॉइंट को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जैसे पोटेंशियल के लिए आपने क्या पढ़ा था, ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, बट इन्फिनिटी तो जीरो था ना, वैसे ही चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन टू गिवन पॉइंट, चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज नोन एज व्हाट, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स ऑन व्हाट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो इसे यहां देखिएगा, ये लिख लिया ना, और डीवी को अगर इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, वन से टू तक, तो जहां से आ रहे हैं वहां पे पोटेंशियल भी बन रहा होगा, जहां पे जाएंगे वहां पे पोटेंशियल वी टू। तो इसको कैसे लिखिएगा स्टूडेंट, माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम हेयर टू हेयर, आर वन से आर टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, राइट? जैसे हम लोग कैसे बोलते थे, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और जहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहाँ पे पोटेंशियल रहेगा। इन सिमिलर फैशन, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे पोटेंशियल, और जहाँ पे पोटेंशियल वहाँ पे डैम्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? दोनों एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल जी, पोटेंशियल जी कंजर्वेटिव फोर्स, वैसे ही क्या बोलना है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए? क्या कहां पे डीवी, इट इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम पी टू पी डैश। और इसको सेंटेंस में ऐसे लिखिए, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट? और कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व होगा, इस पे मैं बहुत सारा प्रॉब्लम लूंगा, डोंट वरी। यस, फार्मूला हम लोग चार्ज पार्टिकल को लेकर डिराइव कर रहे हैं, बट ये बहुत जगह पे काम में आने वाला है। तो अगर दो, अगर अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया रहेगा, तो क्या यहाँ से दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे इस कॉन्सेप्ट से? वेरी गुड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस सिस्टम में दिया रहेगा सर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस सिस्टम में दिया रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड किस सिस्टम में दिया रहेगा सर? इट कैन बी ए कार्टेशियन सिस्टम में भी दिया जा सकता है, या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर के टर्म में भी दिया जा सकता है, राइट? कार्टेशियन सिस्टम में ई को कैसे लिख सकते हैं, ई एक्स आई, ई वाई जे और ई जेड के डॉट डी एक्स आई, डी वाई जे और डी जेड के यहां से लिख सकते हैं ना। और ए डॉट बी कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता था, ई एक्स डी एक्स, राइट?
ई वाई डी वाई और अरे यहाँ पर जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा हम लोग जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इलेक्ट्रोस्टेट पड़ रहा है ना, मोटा मोटी चार्ज इन रेस्ट, मोटा मोटी चार्ज इन स्टैटिक, राइट। इसका मतलब हम लोग उस चार्ज, हम लोग चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। तो सर ये बात बोलने का सेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और वजह से भी क्रिएट हो सकता है, वो आगे चलकर पढ़ाएंगे, जिसका नाम रहेगा चैप्टर का EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। मैग्नेट भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेट भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज। बट यहाँ पे वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल क्रिएट करेगा वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं इट इज़ नॉन कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव, या मुझे दोबारा प्रूफ करना पड़ेगा कि इट इज डैम्स और इट इज कंजर्वेटिव, प्रूफ कर दिए ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो वर्क होता है इज डिपेंड ऑन वैसा कोई भी फील्ड, एक मिनट, वैसा कोई भी फील्ड जिसके फोर्स के वजह से जो वर्क डन होता है डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, उस फील्ड को बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे ने पिछले क्लास में प्रूफ किया था वो कौन सा फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही तो वर्क था। yes, और उसका वर्क क्या पॉइंट पे पाथ पे डिपेंड कर रहा था या इट ओनली डिपेंड्स ऑन R1 एंड R2? इट ओनली डिपेंड ऑन R1 एंड R2, दैट्स वाई मेरा यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा नेचर का है, कंजर्वेटिव नेचर का है, राइट। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तो पोटेंशियल निकालने के लिए पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, करेक्ट ना। एनीवे इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे V1 से V2 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सर माइनस को बाहर ले लेते हैं, ऐसे लिखेंगे EX dx और लिमिट X1 से X2, इज इट करेक्ट? कार्टेशियन सिस्टम में सर EY dy लिमिट किसका, लिमिट इसको देखकर लिखते हैं या इसको देखकर लिखते हैं? dy को देखकर, EZ dz लिमिट Z1 से Z2 फर्स्ट, यहाँ तक आइए। हो गया, और यही क्या रहेगा पॉइंट वन से पॉइंट टू के बीच का, राइट। इसको बॉक्स में कर लेना, ठीक है, इसको भी बॉक्स में कर लीजिएगा। यहाँ तक हो गया स्टूडेंट? करेक्ट ना। एक कार्टेशियन सिस्टम में चल रहा है, DV = EX dx - EY dy - EZ dz, सब लोग ध्यान से समझिएगा।
इफ वा अब यहाँ देखिए, वेरिएबल एक्स वाई जेड तीनों है, वेरिएबल एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, बट लेट अस सपोज इफ वाई एंड जेड को कुछ मोमेंट के लिए, फॉर ए मोमेंट, अगर कांस्टेंट मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए स्टूडेंट, कांस्टेंट, तो एक टर्म क्या हो जाएगा बोली तो, जीरो हो जाएगा। और तब क्या बचेगा इस कंडीशन के साथ, डी वी इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स, राइट। तो भाई ई एक्स के लिए क्या लिखिएगा, डेल वी बाई डेल एक्स, राइट। जल्दी से बोलिए, बट यहां पे क्या कांस्टेंट माने हैं, y एंड z कांस्टेंट, करेक्ट। सिमिलरली क्या सिमिलरली का करके काम चल जाएगा, ई वाई इक्वल टू माइनस डेल वी वाई डेल वाई, क्या कांस्टेंट ले लें, x एंड z कांस्टेंट, एंड सिमिलरली, राइट, करेक्ट ना। इसका मतलब तो नहीं पूछिएगा ना, सिमिलरली है नहीं। जो बच्चे देखेंगे ना वीडियो, जो क्लास छोड़ दिए हैं किसी वजह से, फिर सोचते रहेंगे यहाँ पे क्या लिख दिया है, इजेड इक्वल टू क्या लिखेंगे। अब आप लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे कंप्लीट डिफरेंशिएशन लेके पार्सल ले रहे हैं, क्यों पार्सल ले रहे हैं, सर बाई और जेड तो वेरिएबल था लेकिन उस मोमेंट के लिए, राइट। यहाँ पे क्या कांस्टेंट, एक्स एंड वाई कांस्टेंट। हो गया ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आप लोग को रिकॉल करना है, क्या डिटो ऐसा ही कोई फार्मूला मिला है वर्क पर एनर्जी में? पक्का मिला होगा वर्क एनर्जी में, शायद ये मिला था नहीं सर, एफ एक्स इक्वल टू माइनस डेल वाई डेल एक्स था, राइट। और एफ वाई इक्वल टू, और एफ जेड इक्वल टू, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात मैं बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन देखकर हम लोग बता सकते हैं फील्ड फोर्स का कौन सा कंपोनेंट जीरो रहेगा, करेक्ट ना। क्या बोले थे कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन में, पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन में अगर यहाँ पे क्या कांस्टेंट मानते थे, वाई एंड जेड को पहले ही कांस्टेंट मान लिए हैं, और अगर यहाँ पे इसके एक पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में अगर एक्स अब्सेंट है, क्या है, एक्स एब्सेंट है, ये क्या रहेगा सर, डैम जीरो जीरो रहेगा, राइट। बजा वाई और जेड को हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं और एक्स है नहीं, तो पूरा टर्म में कांस्टेंट हो गया ना, पूरा टर्म क्या हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब यहां से एक मैं जनरलाइज स्टेटमेंट दिया था कि इन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इफ एनी कोऑर्डिनेट इज एब्सेंट देन कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट कोऑर्डिनेट कंपोनेंट ऑफ फील्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इज इट करेक्ट। तो सिमिलरली यहां भी तो बोल सकते हैं पोटेंशियल, वहां पे पोटेंशियल बोल रहे हैं, यहां पे पोटेंशियल बोलेंगे, दोनों बिल्कुल एक साथ है। और थोड़ा डेमो दिखा देते हैं, यहां देखिए अभी इस पर बात थोड़ा करेंगे आराम से, ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, राइट, यही है ना।
एक काम कर सकते हैं, क्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई। आप लोग का यहाँ तक बोर्ड नज़र आ रहा है स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट, तो बोलिए क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और किसी भी कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन के अंदर भी लेके जा सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। क्या इसको अंदर लेके चले जाएं? क्यू इंटू वी, और क्यू इंटू वी इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू, राइट। और क्यू इंटू ई एक्स, कोई एफ एक्स लिख सकते हैं? हो तो गया, कितना बढ़िया बात हो गया। नहीं, जो कहीं पे कॉर्नर में लिख लीजिए कॉन्फिडेंस के लिए, जस्ट मुझे वो यहाँ से, मतलब यहाँ से वहाँ पे जा सकते हैं, वो मैं दिखा दिया कि यहाँ से वहाँ पे जा सकते हैं, राइट। इसको हटाएं, अब लिखिए यहाँ पे। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में वी एक्स यहाँ पे, ई एक्स इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक्स कंपोनेंट चाहिए तो पोटेंशियल को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन, राइट। बट वहाँ पे क्या कांस्टेंट मानकर? बाई और जेड को कांस्टेंट मानकर इलेक्ट्रिक फील्ड का बाई कंपोनेंट चाहिए। अब पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, पोटेंशियल दिया हुआ है भाई। कार्टिजन सिस्टम का बात करेंगे तो पोटेंशियल भी तो एक्स बाई जेड का ही तो फंक्शन रहेगा। कार्टिजन सिस्टम का बात करेंगे तो पोटेंशियल भी किसका फंक्शन रहेगा? एक्स बाई जेड का। एनीवे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बाई कंपोनेंट चाहिए तो पोटेंशियल को किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे? बाई के रेस्पेक्ट में, विथ नेगेटिव साइन, बट किसको कांस्टेंट मानेंगे? एक्स एंड जेड। अब यहां से इन तीन एक्सप्रेशन से एक बात तो क्लियर हो रहा है कि मान लेते हैं ई एक्स चाहिए और पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में एक्स कोऑर्डिनेट अब्सेंट है, ई एक्स क्या मिलेगा? सर एक्स है ही नहीं और बाई जेड को कांस्टेंट ही मान लिए हैं, तो पूरा टर्म तो कांस्टेंट हो गया ना, और कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो रहता है, राइट। इससे इसका मतलब है कि कितना बढ़िया बात हो गया, मैं एक एक्सप्रेशन दे दिया कार्टियन सिस्टम में, भी इक्वल टू बाई स्क्वायर प्लस 3 जेड, अतः पूछूंगा ये तो पक्का पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल रहेगा, और पोटेंशियल रहेगा तो डैम्स इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, मतलब कुछ ऐसा है ना बिल्कुल, एक हम लोग कैसे उसको क्या बोलते हैं भाई जो एक दूसरे पर डिपेंड करता है बायोलॉजी में, एक दूसरे पे डिपेंड करता है, यस। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दे देंगे और बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, सर एक्स है ही नहीं तो एक्स कंपोनेंट के लिए एक्स निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको तो कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो सर जीरो, राइट। तो लिखिए मेरी तरफ से कंक्लूजन, इस फार्मूले का, इन तीन फार्मूला का कंक्लूजन, इफ एनी कोऑर्डिनेट इज अब्सेंट इन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल, इफ एनी कोऑर्डिनेट इज अब्सेंट इन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल, देन क्रॉस्पॉन्डिंग टू दैट कोऑर्डिनेट फिर से मैं बोल रहा हूं, दोबारा बोलूंगा, देखिए इफ एनी कोऑर्डिनेट इज अब्सेंट इन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल देन क्रॉस्पॉन्डिंग टू दैट कोऑर्डिनेट, देन क्रॉस्पॉन्डिंग टू दैट कोऑर्डिनेट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू जीरो, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू जीरो, राइट।
करेक्ट ना? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने क्या बोला था, इफ एनी कोऑर्डिनेट इज अब्सेंट इन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल देन क्रॉस्पॉन्डिंग टू दैट कोऑर्डिनेट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में अगर एक्स कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट जीरो होगा, ई एक्स जीरो होगा, राइट। वाई कोऑर्डिनेट एब्सेंट रहेगा, ई वाई जीरो रहेगा, डायरेक्ट बोल देना है। जेड कोऑर्डिनेट एब्सेंट रहेगा, ई जेड जीरो रहेगा, राइट। यहाँ देखिए इसको क्या पढ़िएगा, अब फिजिक्स में है तो भी यहाँ पे पोटेंशियल है, बोलिए पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बाई जेड, राइट। पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बाई जेड, इसका तो पोटेंशियल में एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है और जेड भी वेरिएबल है। ये देखकर ये पूछेंगे, निकाल लीजिएगा, ये देखकर इसका एक्सप्रेशन पूछेंगे। यहाँ देखिए ये देंगे और इसका एक्सप्रेशन पूछेंगे, निकल जाएगा सर, निकल जाएगा ई इक्वल टू वी एक्स आई ई वाई जे आ प्लस ई जेड के। कितना बढ़िया बात है ना, स्केलर क्वांटिटी देकर वेक्टर पूछ रहे हैं, कैसे सर, ई एक्स के बदले एक कर देंगे, राइट, और ई वाई के बदले, करेक्ट। और ई जेड के बदले, थोड़ा बहुत आप लोग भी कभी कभी बोलिए भाई, अकेले मुझे छोड़ देते हैं। हो जाएगा, लिखिए हो गया ना। इसको हटाए, भी कांस्टेंट, यहाँ देखिए भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कुछ भी उसमें वेरिएबल नहीं है, राइट। भी कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट, ई कितना, तो सर भी कांस्टेंट रहेगा तो ई एक्स निकालेंगे वो भी जीरो मिलेगा, ई वाई भी जीरो मिलेगा, ई जेड भी जीरो मिलेगा, राइट। सिंपल सा लॉजिक हो गया ना, भी कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई एक्स सर जीरो, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया भी कांस्टेंट, मतलब उसमें कोई भी कोऑर्डिनेट है ही नहीं, राइट। ई वाई भी जीरो है और ई जेड भी जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आज के बाद अगर पोटेंशियल जहाँ भी कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टेट में यूज करेंगे, और मुझे लगता है कि कुछ लोग तो डैम श्योर स्कूल में पढ़े होंगे, चार्ज इज इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ ए हॉलो और स्फेयर, राइट, ऐसा पढ़े हैं। और इसके वजह से अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट मिलता है, भी पढ़े होंगे। तो आज के बाद मेरी तरफ से गुरु ज्ञान, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, राइट। फील्ड फ्री, कौन सा फील्ड फ्री, इसका मतलब यहाँ पे कितना भी चार्ज दे दीजिए सरफेस पे, बड़ा इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा इस पर थोड़ा और स्ट्रेस देंगे। कितना भी चार्ज दीजिए, मतलब 1 लाख वोल्ट का भी सरफेस पे जा रहे हैं तो झटका 1 लाख
पोटेंशियल का मिल रहा है वोल्ट का, राइट? लेकिन अंदर चले गए आराम से रहिएगा, वजह फील्ड ही नहीं है, करेक्ट? क्योंकि पोटेंस भाई, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बिजली कड़का या बिजली गिर गया, क्या होता है एक्चुअली, होता यह है कि हम लोग जब ग्राउंड पे रहते हैं तो ग्राउंड का पोटेंशियल को जीरो माने हुए है, राइट? और जहाँ पे एक्चुअली बिजली बिजली का जो भी उसका मैकेनिज्म रहा होगा, बट वहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल मान लीजिए 50,000 का, कितना? 50,000 वोल्ट, और ग्राउंड का जीरो, और आपके बॉडी में मेटल का पार्टिकल है, राइट? आपका बॉडी नॉन कंडक्टर या कंडक्टर? अब चेक मत कीजिएगा तार पकड़ के, वेरी मच कंडक्टर। तो अगर ऐसे जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो बहुत बड़ा फ्लो ऑफ करंट हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कंडक्टर के क्रॉस करंट का फ्लो होगा। और ये भी तो जानते होंगे I² RT, जानते हैं फार्मूला, हीट थ्रू द रेसिस्टर। तो भाई करंट का फ्लो होगा तो और बहुत बड़ा करंट का फ्लो हो गया तो बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होगा, तो आपके बॉडी के अंदर जितना वाटर है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो वही होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, राइट? एनीवे, इसका मतलब जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट, आज के बाद तो जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा वो फील्ड फ्री जगह हो जाएगा। कौन सा फील्ड फ्री? जिसका पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक चार्ज का पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या रहेगा? जीरो रहेगा, राइट? बोल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से? तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए नोट करके, इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन एनी रीजन या एनी स्पेस, इफ, इसको भी बॉक्स में कर लीजिएगा, ठीक है, अभी कलेक्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम बनाने के लिए। इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन एनी रीजन, देन दैट रीजन या स्पेस इज फील्ड फ्री। यहाँ पे फील्ड मैं किसको मीन कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आज के क्लास को इतना ही रहने दीजिए स्टूडेंट, यहाँ से नेक्स्ट क्लास।